I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. समय हूं अर्जुन, एक के बाद एक घटने वाली असाधारण घटनाओं पर आश्चर्यचकित था, क्योंकि हर घटना चित्रांगदा को उसके निकट और निकट ढकेल रही थी। अर्जुन जितना चित्रांगदा को रोकना चाहता था, चित्रांगदा उतनी ही तीव्र गति से उसके जीवन में प्रवेश करती जा रही थी, क्योंकि अर्जुन को इस बात का ज्ञान नहीं था कि इन घटनाओं का रचयिता कोई और नहीं, स्वयं उसका भाग्य था। अर्जुन के जीवन में चित्रांगदा नहीं, बल्कि एक ऐसी आंधी प्रवेश कर रही थी जो आगे चलकर एक भयंकर तूफान में बदलने वाली थी। जब चित्रांगदा ने अर्जुन के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो अर्जुन का उत्तर अपेक्षित था, उसने इनकार कर दिया। परंतु मैं जानता था कि अर्जुन का यह इनकार परिस्थितियों के रेले के आगे टिक नहीं पाएगा। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु आपका यह प्रस्ताव मुझे स्वीकार नहीं है। ये मत भूलो पांडुपुत्र, यदि तुम्हें हमारा प्रस्ताव अस्वीकार है तो हम भी तुम्हारे प्रस्ताव को ठुकरा सकते हैं।
मणिपुर इंद्रप्रस्थ से मित्रता चाहता है, पर यदि तुम शत्रुता चाहते हो तो हमें इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, इतना अवश्य जान लो, और आने वाला समय भी तुम्हें बताएगा कि मणिपुर से मित्रता मणिपुर की शत्रुता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और लाभप्रद सिद्ध होती। महाराज, आप राजनीति को पारिवारिक संबंध से जोड़ रहे हैं, जो ठीक नहीं है। जब राजनीति परिवार से जुड़ जाती है तो उसके बहुत दुष्परिणाम होते हैं। मणिपुर और इंद्रप्रस्थ की मित्रता राजनीतिक संधि होगी, और विवाह का यह प्रस्ताव कुछ व्यक्तियों के जीवन की व्यक्तिगत समस्या। महाराज, मेरी आपसे नम्र विनती है कि इन दो बातों को परस्पर ना जोड़िए। हम ऐसी किसी भी राजनीतिक संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते कि जिसके करने पर हमारी पुत्री को अश्रुओं के सागर में डूबना पड़े। यदि तुम हमसे मित्रता चाहते हो तो तुम्हें हमारा प्रस्ताव स्वीकार करना ही होगा। महाराज, मैं राजकुमारी चित्रांगदा को भी बता चुका हूं कि मेरी क्या व्यवस्था है। और हम भी तुम्हें बता चुके हैं पांडु पुत्र की हमारी व्यवस्था क्या है। हम अपनी पुत्री को दुखी नहीं देख सकते। उसके होठों की एक मुस्कान के लिए हम बड़े से बड़ा त्याग कर सकते हैं। मुझे खेद है महाराज, क्या आपके इस प्रस्ताव पे मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। तो फिर हमें भी खेद है पांडु पुत्र, क्या आज पहली बार हमें मणिपुर की परंपरा को तोड़ना पड़ेगा। हम मणिपुर वासी अपने अतिथि के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश तुम पहले अतिथि हो जिसको हमें आदेश देना पड़ रहा है कि तुम शीघ्रातिशीघ्र मणिपुर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि तुम जब तक यहां रहोगे हमारी पुत्री का दुख बढ़ता जाएगा। तुम्हारे जाने के पश्चात संभवतः वो धीरे धीरे शांत हो जाए। महाराज, मणिपुर की मित्रता हमें बहुत प्रिय है, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत आवश्यक भी है। परंतु महाराज, यदि आप मेरी व्यवस्था को नहीं समझ पाए तो मैं शीघ्र ही मणिपुर छोड़ के चला जाऊंगा। शीघ्र नहीं पांडव पुत्र, कल सूर्योदय से पहले पहले मणिपुर की सीमाओं से तुम दूर चले जाना। मेरी तो समझ में नहीं आया पिताश्री, क्या आपने ऐसा किया क्यों? हमने वही किया पुत्री जो हमें करना चाहिए था। क्या मणिपुर के महाराज को यह शोभा देता है कि वो मणिपुर के अतिथि को निकल जाने के लिए कहते? मणिपुर के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। हम केवल महाराज ही नहीं है पुत्री, हम एक पुत्री के पिता भी हैं। जब आप मणिपुर के सिंहासन पर बैठते हैं तो केवल महाराज होते हैं, और मणिपुर के महाराज होने के नाते आपका यही धर्म है कि आप केवल मणिपुर के हित के विषय में सोचें, परिवार के विषय में नहीं। केवल वही कार्य करें जिसमें मणिपुर का हित हो। कदाचित तुम ठीक कहती हो पुत्री, पर प्रश्न यदि पुत्री की भावनाओं का हो तो एक पिता को इतना स्वार्थी होने का तो अधिकार है ही, फिर वो पिता चाहे महाराज ही क्यों ना हो। नहीं पिताश्री, परिवार देश से अधिक महान नहीं होता, पारिवारिक संबंध भी देश के हित से अधिक महान नहीं हो सकते। मेरे विचार में आपने अर्जुन को निकल जाने की बात कहकर मणिपुर के हित को क्षति पहुंचाई है, और मैं ऐसा सर्वथा नहीं होने दूंगी। केशव, आप अच्छा हुआ केशव आप आ गए, मुझे आपकी स्मृति बड़ी सता रही थी।
इसीलिए तुम्हें द्वारिका छोड़कर मणिपुर आ गया, पश्चिम से पूर्व की इतनी अधिक दूरी पार करके। किंतु पार्थ, तुम कहां जाने की तैयारी कर रहे थे? केशव, मैं इंद्रप्रस्थ लौटने की तैयारी कर रहा हूं। क्यों पार्थ? मणिपुर तो बहुत सुंदर क्षेत्र है, क्या तुम्हारा यहां की सुंदरता से इतना शीघ्र मन उब गया? नहीं केशव, मुझे मणिपुर की सीमाओं से बाहर निकल जाने के लिए आदेश दिया गया है। अच्छा, क्या मणिपुर को इंद्रप्रस्थ की मित्रता स्वीकार नहीं? स्वीकार तो है केशव, परंतु ऐसे अनुबंधों के साथ जिन्हें पूरा करना मेरे वश की बात नहीं है। मुझे पता है महाराज चित्रवाहन ने तुमसे क्या कहा। उन्होंने तुम्हारे सामने जो प्रस्ताव रखा वो भी मेरी समझ में आता है पार्थ। हर पिता को अपनी पुत्री की प्रसन्नता प्रिय होती है, किंतु उनके प्रस्ताव पर तुमने जो उत्तर दिया वो मेरी समझ में तनिक भी नहीं आया। तो क्या मेरा उत्तर उचित नहीं था केशव? एक व्यक्ति होने के नाते तुम्हारा प्रस्ताव उचित हो सकता है पार्थ, किंतु इंद्रप्रस्थ का राजदूत होने के नाते तुम्हारा उत्तर शत प्रतिशत अनुचित था। मैं कुछ समझा नहीं केशव। इसमें न समझने की क्या बात है पार्थ? तुम्हें अपना अर्जुन होना तो स्मरण रहा, किंतु तुम ये भूल गए कि तुम एक ऐसे राज्य के दूत हो जिसे इस समय मित्रों की आवश्यकता है। तुम्हें दूत इसलिए बनाया गया था कि तुम्हें मित्र बनाने की अपूर्व क्षमता है, परंतु तुम अपना यह धर्म तो भुला ही बैठे। नहीं केशव, मैंने अपना धर्म निभाने के लिए अपनी शक्ति भर चेष्टा की, किंतु जब यह प्रश्न उठा कि मणिपुर की मित्रता केवल एक संबंध के आधार पर मिल सकती है, तब मैं विवश हो गया। राजनीति में कभी कभी आधार नहीं देखा जाता, हित देखा जाता है। इंद्रप्रस्थ को इस समय मित्रों की आवश्यकता है। मित्र किस आधार पर मिलते हैं यह बात महत्वपूर्ण नहीं है पार्थ। परंतु केशव, मेरी अंतरात्मा इन सिद्धांतों की अवहेलना की अनुमति नहीं देती है केशव। पार्थ, तुम न तो किसी सिद्धांत की अवहेलना कर रहे हो और ना ही किसी परंपरा को तोड़ रहे हो। राजपुरुषों के वैवाहिक संबंध अपने राज्य की शक्ति बढ़ाने के लिए स्थापित किए जाते हैं। यह सदा से होता आया है और सदा होता रहेगा। किंतु केशव, इस किंतु परंतु के फेर में पड़कर तुम अपने इस कर्तव्य को मत भूलो कि इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता हर क्षेत्र में हमारे मित्रों की उपस्थिति है। कल वो समय भी आ सकता है जब हमें मित्रों की खोज होगी। पार्थ, तुम्हें मणिपुर की एक अनोखी परंपरा और अनोखी प्रथा का कदाचित ज्ञान नहीं है। नहीं केशव, कौन सी परंपरा? मणिपुर मातृ प्रधान क्षेत्र है, यहां माता का स्थान पिता से श्रेष्ठ है। मणिपुर की कोई राजकुमारी किसी भी और क्षेत्र के व्यक्ति से विवाह अवश्य कर सकती है, किंतु वो मणिपुर छोड़कर स्वयं कहीं नहीं जा सकती, और उससे जन्म लेने वाली संतान पर भी मणिपुर का ही अधिकार होगा। वो अपनी माता को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, यही यहां का नियम है। चित्रांगदा, तुम्हारे साथ इंद्रप्रस्थ नहीं जा सकती, और उसकी संतान मणिपुर के सिंहासन की अधिकारी होगी। तुम्हें यह संबंध स्वीकार करना होगा। क्या यह आपकी आज्ञा है केशव? यदि इसे आज्ञा समझने से तुम्हें इसे स्वीकार करना सरल हो जाए तो इसे आज्ञा ही समझो पार्थ। किंतु यदि बुद्धि और विवेक से कार्य लो तो तुम स्वयं ही सत्य को जान लोगे। तुम्हें मेरी आज्ञा की कोई आवश्यकता ना होगी। नहीं केशव, मुझे विवेक और बुद्धि तो आप ही देंगे, और यह विवेक और बुद्धि आपसे मांगना
मेरा अधिकार भी है। तो सुनो पार्थ, मणिपुर एक सीमावर्ती राज्य है। भारतवर्ष की सीमा यहीं से आरंभ होती है, या यूं समझो कि मणिपुर इंद्रप्रस्थ का प्रहरी है, और प्रहरी का मित्र होना अति आवश्यक है, अन्यथा वो किसी को भी अंदर आने की अनुमति दे सकता है। मणिपुर की इस महत्ता को देखते हुए तुम्हें चित्रांगदा और चित्रवाहन का प्रस्ताव स्वीकार करना ही होगा। जैसे आपकी आज्ञा। क्या बात, आज हमारे राजकुमार की मुस्कान रुकी नहीं रुक रही? सच बताओ, इतने प्रसन्न क्यों? क्या सपने में अपने पिताश्री के दर्शन कर लिए? सचमुच हम दोनों कितने विवश हैं कि उनके दर्शन सिर्फ सपने में ही कर सकते। किंतु वो दिन दूर नहीं जिस दिन वो हमारी आंखों के सामने होंगे। तुम्हें देखकर तो वो तो झूम उठेंगे, और जब तुम्हें गले लगाकर तुम्हारा माथा चूमेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि उनके हृदय में तुम्हारे लिए कितना प्रेम है। कितनी प्यारी है तुम्हारी हंसी, मुझे उनकी याद दिलाती है। वो हंसकर किसी का भी मन जीत लेते हैं। हाँ देखना, वो मणिपुर गए हैं, वहां पर भी सबका मन जीत लेंगे। उनके व्यक्तित्व में इतना आकर्षण है कि जो भी उनसे मिलता है उन्हीं का बनकर रह जाता है। आहा। कोई अर्जुन का होकर रह जाए तो कोई बात नहीं, किंतु अर्जुन किसी का हो जाए ये अच्छी बात नहीं। वो क्यों किसी का होने लगा? चांडक जो कुछ देखकर आया है उसे सुनकर भय लगता है, और इसका क्या प्रमाण है कि चांडक ने जो कहा है वो सत्य है? कदाचित कोई प्रमाण नहीं, किंतु उसका क्या प्रमाण है कि चांडक ने जो कुछ कहा है वो असत्य है? आप चांडक के विषय में सब जानती हैं, फिर भी उस पर विश्वास कर रही हैं? धामन के साथ विवाह करने के पश्चात वो पूर्णतया बदल चुका है। वो स्वयं को केवल नागलोक का सेनापति समझता है, और उसे अब असत्य बोलने का कोई कारण नहीं। वो कदापि मुझसे असत्य नहीं कह सकता। आप क्यों ऐसी बातें करना चाहती हैं जिससे मुझे दुख हो? मैं तो केवल अपनी पुत्री के हित के विचार को सोचकर भयभीत हूं। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो कुछ चांडक ने कहा वो असत्य हो। मैंने अपराध किया था देवी, पिछली बार मैं आपके दर्शन के लिए आई थी, पर कुछ ऐसा हो गया कि दर्शन किए बिना लौट गई। कदाचित मुझे इसका दंड मिल रहा है। मेरे जीवन को प्रेम का जो वरदान आपकी चौखट से मिला था वो आज मुझसे छीना जा रहा है। जिस प्रेम ने मेरे नयनों में आशा, मन में जीने की उमंग और तन में संगीत की तरंग खोल दी थी, वो प्रेम आज मेरे हाथों से छूटा जा रहा है। मुझे आपके दर्शन किए बिना लौट जाने का अपराध स्वीकार है देवी, किंतु मैं इस दंड को सहन नहीं कर पाऊंगी।
मेरे पिताश्री ने अर्जुन को मणिपुर छोड़कर निकल जाने का आदेश दिया है देवी। मैं जानती हूं कि अर्जुन जैसे स्वाभिमानी आप किसी के रोके नहीं रोक सकते। उन्हें मेरे हृदय की पुकार, मेरे नैनों के अश्रु और मेरे प्यार की तड़प भी नहीं रोक सकेगी। वो चले जाएंगे देवी, वो चले जाएंगे। और वो चले गए तो मेरे लिए जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं रहेगा। अर्जुन के चले जाने के पश्चात वियोग में तिल तिल करके मरने से तो अच्छा है कि मैं आज ही अपने हाथों से अपने जीवन को समाप्त कर दूं। मेरे प्राणों की भेंट आपका क्रोध और मेरे जीवन के कष्ट को भी शांत कर देगा। चित्रांगदा, छोड़ दीजिए, मैंने अपने जीवन का अंत करने का निर्णय ले लिया है। नहीं चित्रांगदा, जीवन तो ईश्वर की दी हुई एक अनमोल धरोहर है और किसी भी प्राणी को इस धरोहर से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं। प्राण लेना और प्राण देना तो केवल ईश्वर का अधिकार होता है चित्रांगदा, केवल ईश्वर का। पर मुझे नहीं चाहिए ऐसा जीवन जो अश्रुओं में बहकर बीते, अंधकार में भटकता रहे, जो तड़प तड़प कर रो रो कर बीते। पर तुम्हारा जीवन इस प्रकार क्यों बीतेगा? तुम जा रहे हो, उसके पश्चात और क्या रह जाएगा मेरे जीवन में? और ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं यहां से जा रहा हूं चित्रांगदा? क्या तुम मणिपुर छोड़कर नहीं जा रहे हो? यदि मेरे चले जाने से मणिपुर की सुंदरता दम तोड़ दे तो धिक्कार है मेरे जीवन पर। हां चित्रांगदा, मैं मणिपुर छोड़कर नहीं जा रहा हूं। और अब तुम्हें अपने प्राण त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हें कदाचित मुझ पर दया आ रही है, किंतु मुझे तुम्हारा साथ यदि दया में भी मिले तो मुझे स्वीकार है, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। मुझे दान में अपना प्यार दे दो। चित्रांगदा, ना तो मैं तुम्हें दान दे रहा हूं और ना ही तो मैंने ये सब इसलिए कहा है कि मुझे तुम पर दया आई है। सच बात तो यह है कि कल रात पहली बार मुझे इस बात का आभास हुआ है कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। मैं तुम्हारी आवश्यकता हूं? हां चित्रांगदा, मेरी आंखों ने जिस भविष्य का सपना देखा है वो सपना तुम्हारे साथ के बिना साकार हो ही नहीं सकता। उसे साकार करने के लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता है चित्रांगदा। मैं तो तुमसे मिलने भी गया था, परंतु जब पता चला कि तुम राजभवन से बाहर चली गई हो तो मुझे अचानक ध्यान आया कि जिस कामाख्या देवी के कारण हम पहली बार मिले थे कदाचित वो हमें फिर मिला देगी। और देखो, देवी ने हमें मिला दिया। सच? सच तुम मुझे ढूंढ रहे थे? मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा हूं, मेरा सपना, मेरा जीवन तुम्हें ढूंढ रहा है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। ना तो मुझे अपने नेत्रों पर विश्वास हो रहा है कि वो तुम्हें देख रहे हैं, और ना ही मुझे अपने कानों पर विश्वास हो रहा है कि उन्होंने तुम्हारे मुख से विवाह शब्द सुना। ईश्वर करे कि यह सच हो, कोई सपना ना हो। यह सच है, यह सच है चित्रांगदा, तुम्हारे लिए यह सच है, मेरे लिए कदाचित यह सपना हो।
अर्जुन चित्रांगदा से विवाह कर रहा है? ओले बाबा, क्या मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा। राजकुमारी, 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 क्या कोई नया समाचार लाए हो? हाँ राजकुमारी, समाचार नया अवश्य है किंतु बहुत सुखद नहीं है। तुम समाचार सुनाओ, उसके सुख या दुख का होने का निर्णय मुझ पे छोड़ दो। राजकुमारी, आप ये समझती हैं कि मेरे मन में अर्जुन के प्रति ईर्ष्या और क्रोध की भावना मुझे बार बार आपके पास समाचार लाने पर विवश करती है, यही समझती हैं ना आप? क्या बात है चांडक, आज वास्तव में गंभीर दिखाई दे रहे हो। मैं ये कैसे भूल जाऊं कि तुम अर्जुन से ईर्ष्या रखते थे, उसे क्रोधित थे कि वो मुझसे प्रेम क्यों करते हैं? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा राजकुमारी, थी मुझे उससे ईर्ष्या, था मैं उससे क्रोधित, किंतु वो सब बातें बीत चुकी हैं। ईश्वर साक्षी है कि धामन से विवाह करने के पश्चात वो सारी बातें मेरे लिए पुरानी हो चुकी हैं। राजकुमारी, अब आप केवल मेरे लिए नागलोक की राजकुमारी और भावी महारानी हैं, और मैं आपका सेनापति हूं, नागलोक और नागवंशियों का रक्षक, उनके हित का प्रहरी। यदि किसी ने नागलोक के हित पर आघात करने की चेष्टा की तो उसे पहले मुझसे टकराना होगा, चाहे वो अर्जुन ही क्यों ना हो। किंतु बात क्या है, तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? मैं उत्तेजित इसलिए हूं क्योंकि अर्जुन ने नागलोक की राजकुमारी के साथ विश्वासघात किया है। विश्वासघात? ये क्या कह रहे तुम? तुम्हारे पास प्रमाण क्या है? क्षमा करें राजकुमारी, किंतु अर्जुन के प्रेम में आपने अपने दोनों ही नेत्र इस प्रकार बंद कर लिए हैं कि आपको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। नहीं तो अर्जुन की यह भूल क्या कुछ कम है कि ईरावान को जन्म लिए वर्ष होने आया और उसने पलटकर देखने का कष्ट भी नहीं किया? किंतु वो तो मैत्री अभियान पे निकले हैं, संभव है उन्हें समय न मिला हो। राजकुमारी आप बहुत भोली हैं, अर्जुन मैत्री अभियान पर नहीं, कदाचित विवाह रचाने के अभियान पर निकले हैं। क्या? हाँ, जब मैंने पहले आपको यह बताया था कि मैंने अर्जुन और मणिपुर की सुंदर राजकुमारी चित्रांगदा को साथ नौका विहार करते देखा था तो आपने मेरी इस बात को हंसी में उड़ा दिया था। मैं जानता था कि यह परिहास नहीं है, आप मेरी बात का विश्वास करें या ना करें, पर यह सत्य है कि अर्जुन राजकुमारी चित्रांगदा के साथ विवाह कर रहा। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, वो तो मुझसे बहुत प्रेम करते थे। लगता है उनमें प्रेम करने की क्षमता कुछ अधिक है। पर तुम्हें कैसे पता चला कि अर्जुन चित्रांगदा से विवाह कर रहे हैं? मैं तो पहले ही दिन से पहचान गया था कि अर्जुन क्या है। जब वो यहां से गया तो मैंने उसका पीछा किया, उसकी गतिविधियों पर मैंने कड़ी दृष्टि रखी, फलस्वरूप कल अर्जुन को मैंने कामाख्या देवी के मंदिर में जाते देखा तो मेरा माथा ठनका, क्योंकि कुछ देर पहले ही राजकुमारी चित्रांगदा वहां पहुंच चुकी थी। मैं समझ गया कि दोनों कामाख्या देवी को साक्षी बनाकर किसी वचन बंधन में बंधना चाहते हैं। छिपते छिपाते जब मैं वहां पहुंचा तो मेरा संदेह सत्य सिद्ध हुआ, अर्जुन चित्रांगदा को विवाह का प्रस्ताव दे रहा था।
यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप स्वयं मेरे साथ वहां चलें और मेरी बातों का प्रमाण देख लें। मेरे विचार में जब हम वहां पहुंचेंगे तो उनके फेरे हो रहे होंगे। मैं चलूंगी, अवश्य चलूंगी। ओम स्वस्तिन इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिन पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधात्। ये कामरूप क्षेत्र है, यहाँ की नारियां जादूगरनी होती हैं। इस जादूगरनी ने भी मेरे अर्जुन पे जादू कर दिया। अर्जुन, तुम इतने निष्ठुर होगी, इसका मुझे ज्ञान न था। राजकुमारी, अर्जुन को यह विश्वासघात बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा उसे यह विश्वासघात। आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। चलिए राजकुमारी, चलिए। बस महाबाहु, अब आप ही जाइए, हम लोग तो यहाँ से एक पग भी आगे नहीं जा सकते। हाँ कुंती नंदन, आज की रात्रि इस सीमा से आगे केवल कोई पुरुष ही जा सकता है। और पुरुष भी वो जिसे इससे आगे जाने का अधिकार दिया गया हो। राजकुमारी चित्रांगदा विश्व सुंदरी है, आप तो भाग्यशाली हैं कुंती नंदन कि उनकी कृपा दृष्टि आप पर पड़ी। अब जाने भी दोगी कुंती नंदन को कि नहीं, कहीं हमारी बिना सर पैर की बातों में ये सुहानी रात बीत ना जाए। अरे मैं कहाँ रोक रही हूँ कुंती नंदन को, जाइए पांडु पुत्र, आपकी राह में कोई नैनदीप जलाए आप पर अपनी धड़कनों के पुष्प निछावर करने के लिए व्याकुलता से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इतना अनमोल रत्न पाकर ये ना भूल जाइएगा कि हम सब भी पुरस्कार के अधिकारी हो गए हैं, क्योंकि हम ही आपको यहाँ तक लाए हैं ना। जाइए।
ये किस असमंजस में डाल दिया है मेरे भाग्य ने मुझे। मेरी अंतरात्मा मुझे बार बार टोक रही है कि जो कुछ मैं करने जा रहा हूं वो आचार का उत्तम उदाहरण नहीं है। केशव के कहने से मैं यहां तक तो चला आया, किंतु इसके आगे तो स्वयं मेरे पांव भी उठने से मना कर रहे हैं। मैं क्या करूं। पुत्र, किस दुविधा में फंसे हो? देवराज, आप इस समय, मैं स्वयं को बहुत अकेला और असहाय पा रहा हूं। देवराज, कोई नहीं था जिससे मैं अपने मन की बात करके मन के बोझ को हल्का कर लेता। जब तक मनुष्य अपने जीवन की विचारधारा में स्पष्ट नहीं होता, तब तक उसे हर नई बात मन का बोझ लगती है। हर नई और अनहोनी बात मन को व्याकुल कर देती है। फिर भी पुत्र, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? संभवतः हम तुम्हारी कुछ सहायता कर सके। केशव की बात मानकर मैंने चित्रांगदा से विवाह तो कर लिया, क्योंकि यह राजनैतिक आवश्यकता थी देवराज। किंतु आप चित्रांगदा के निकट जाने में मुझे बड़ा संतोष हो रहा है। क्यों पुत्र? देवराज, इस विवाह के उपरांत मेरे और चित्रांगदा के बीच में जो शारीरिक संबंध स्थापित होंगे, क्या वो काम वासना की पूर्ति के बहाने नहीं कहे जाएंगे? नहीं पुत्र। क्यों देवराज? दो कारणों से पुत्र। काम और वासना की प्रवृत्ति केवल शारीरिक संबंध स्थापित करती है, जबकि विवाह केवल शारीरिक मिलन का नाम नहीं। विवाह वर और वधु दोनों का एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व लेने का सामाजिक ढंग है। पुत्र, विवाह शारीरिक संबंध को पवित्रता प्रदान करता है। दूसरा कारण यह पुत्र कि तुमने राजनीतिक आवश्यकता के फलस्वरूप चित्रांगदा से विवाह किया होगा, किंतु पुत्र, उसने तुमसे इसलिए विवाह किया, वो तुमसे प्रेम करती है। उसने अपने मन मंदिर में तुम्हें बिठा के अपना देवता माना है, इसलिए इस मिलन पर उसका अधिकार तुम्हारे अधिकारों से अधिक है। मैं कुछ समझा नहीं देवराज। पुत्र, स्त्री जिस पुरुष से विवाह करती है उसके तन मन धन पर भी उसका अधिकार होता है। चित्रांगदा से विवाह के उपरांत तुम्हारी पत्नी का तुम्हारे शरीर और आत्मा पर भी अधिकार है। पुत्र, प्रश्न यह नहीं कि तुम क्या सोच रहे हो, प्रश्न यह है क्या तुम पत्नी को उन सब अधिकारों से वंचित कर सकते हो जो उसे विवाह के बाद मिले हैं। यदि तुम अपनी पत्नी की भावनाओं और उसकी आकांक्षाओं का तिरस्कार कर रहे हो तो पुत्र, तुम अपने धर्म से मुंह मोड़ रहे हो। पुत्र, चित्रांगदा अब तुम्हारी पत्नी है। जाओ, धर्म अनुसार उसकी हर वो इच्छा पूर्ण करो जिस पर उसका अधिकार है। अपने संकोच को अपनी पत्नी को दिए हुए अधिकारों से वंचित करने का बहाना मत बनाओ। देवराज, किंतु मैं, पुत्र, चित्रांगदा ईश्वर द्वारा बनाई गई तुम्हारे भाग्य की नई रेखा है। तुम उसे बदल नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, इसलिए उसे स्वीकार कर लो। क्योंकि उसे स्वीकार करने के अतिरिक्त तुम्हारे पास कोई मार्ग नहीं। जैसे आपकी आज्ञा देवराज।
अपने नैन मत खोलना चित्रा, अपने नैन मत खोलना, क्योंकि मैं जानता हूं कि इनमें तुमने इतने मदमाते बाण छिपा रखे हैं कि यदि एक साथ निकले तो मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा। बड़े नटखट हैं आप, नेत्र खुलवाने का इससे अच्छा ढंग और हो भी नहीं सकता था। एक बात पूछूं चित्रा? पूछिए। तुम बहुत सुंदर हो, इतनी सुंदर हो कि कदाचित कोई अप्सरा भी तुम्हें देखे तो वो भी लजा जाए। तुम्हें तो इस संसार का एक से बढ़कर एक वर मिल सकता था। मैं तो एक छोटे से राज्य इंद्रप्रस्थ का राजकुमार हूं, जिसकी सीमाएं मणिपुर की तुलना में बहुत छोटी हैं। चित्रा, तुमने मुझ में ऐसा क्या देख लिया कि मेरे विषय में सब कुछ जानने के पश्चात भी मुझसे विवाह पर अड़ी रही? पुष्प को यह ज्ञान कहां होता है कि उसकी सुगंध कितनी भीनी है? चंद्रमा कहां जाने कि उसकी चांदनी कितनी शीतल है? मोती को कहां ज्ञान होता है कि वो कितना मूल्यवान है? ये ज्ञान तो पुष्प को सूंघने वालों, चांदनी में नहाने वालों और मोती को मोल लेने वालों को ही होता है। आप क्या है ये मेरे हृदय से पूछिए, जिसने आपको पहली बार देखते ही अपना ईश्वर मान लिया। मेरा तो सौभाग्य है कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया, मुझ पर आपकी दृष्टि न पड़ती तो कदाचित मैं आज भी अपनी कुचली हुई भावनाओं के साथ नारी जीवन की इस सबसे सुहानी घड़ी को तरस रही होती। तुम्हें भी अपनी सुंदरता का आभास नहीं है चित्रा? जब पहली बार मैंने तुम्हें नारी के रूप में देखा था तो मुझे यूं लगा कि मानो तुम धरती की नारी नहीं हो, साक्षात रति देवी हो। सच सच तुम्हें तो कोई कामदेव जैसा पति ही मिलना चाहिए था। स्वामी, मुझे अचानक एक बात याद आ गई, मैं अभी आती हूं, आज्ञा है? अवश्य, किंतु कहां जा रही हैं आप? मुझे याद आ गया स्वामी कि मुझे किसी को धन्यवाद देना है। आपकी दृष्टि ने मेरे अंदर छिपा हुआ नारीत्व जगा दिया था, किंतु किसी की कृपा ने इस नारीत्व को लहकना, महकना और बहकना सिखाया था। मैं अभी आती हूं। दो प्राणों में प्रेम का होता जब संचार, वही प्रेम पाता रहे जन्म जन्म विस्तार। पार्थ और चित्रांगदा हैं दो तन एक प्राण, कामदेव ने भी दिया इन्हें